Hello guys, you are watching Seva Learning. You can also visit us on www.sevalearning.in. You can also follow on us Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. So let's see the All India Quota 2018 Round 2 cutoff in All India Rank. All India Rank के जितने भी government colleges हैं, उनके क्या cutoff गए हैं Round 2 में, वो पूरा detail मैं आपको दे रहा हूँ. यहाँ से आपकी general है, ये OBC है, SC है, ST है, ठीक है? ये जनरल हैंडीकैप्ड है, ओबीसी हैंडीकैप्ड है, एससी हैंडीकैप्ड है, एसटी हैंडीकैप्ड है, ठीक है? तो आप इस चीज को थोड़ा विजुलाइज कर लीजिएगा. जनरल ओबीसी, एससी एसटी, जनरल पीएच, ओबीसी पीएच, एससी पीएच, एसटी पीएच, ठीक है? तो देखिएगा, पहला द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, तो जनरल के लिए 62 पे क्लोज हो गया है राउंड 2 में. OBC के लिए 210 पे क्लोज हुआ, SC के लिए 3103, ST के लिए 1792 पे, जनरल पीएच के लिए 30273 और ओबीसी पीएच के लिए 1,02405. ओके, एससी पीएच और एसटी पीएच कोई नहीं है, वैकेंट है. सेम आप देख सकते हैं वीएमएमसी एंड एसएएफ डार्जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसकी कट ऑफ देख सकते हैं. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इसकी कट ऑफ. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गांधीनगर, इस टाइप से आप सबका कट ऑफ यानी देख सकते हैं हर एक कॉलेज का. सो मान लीजिए द पीपल हु आर वेटिंग फॉर द मॉप अप राउंड, जो लोग मॉप अप राउंड के लिए वेट कर रहे हैं अपने स्टेट में, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया की मॉप अप जो स्टेट के थ्रू होगी उसके लिए जो वेट कर रहे हैं, प्लीज़ इसको देखें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा कि क्या और क्या गया है कट ऑफ. प्लस ये 19 के स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा जो 19 में अपीयर करने जा रहे हैं. ओके, एंड देन यू कैन सी फ्रॉम हियर इज लाइक एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक. ओके, सो देखिए रैंक गया 1886, 33,468, 67,347, ठीक है. इस टाइप से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में उनका ये पूरा लिस्ट है, सबका कट ऑफ है. आप वन बाय वन हर कॉलेज का चेक कर सकते हैं. मान लीजिए सपोज आप किसी कॉलेज में मॉप अप में ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी रैंक क्या है, ठीक है, जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से उस कॉलेज को चूज करिए, अभी कहाँ से कहाँ तक गया है और कितनी सीट उस कॉलेज में वैकेंट है उसके हिसाब से आप चेक करिए. ओके, ये देखिए जैसे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, कोटी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, सबका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या कट ऑफ जा रहा है. ओके, कौन कौन से रैंक पे कॉलेज लोगों को राउंड 2 में मिला है. ओके, एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, किलपक, चेन्नई, राजेंद्र प्रसोनिक, टांडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम, तो ये जनरल ओबीसी, एसटी, जनरल पीएच, ओबीसी पीएच, एससी पीएच और एसटी पीएच के कॉलम्स हैं. इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं क्या कट ऑफ गया है. और ये पूरी रैंकिंग वाइज है, जो पहले टॉप के कॉलेज हैं वही पहले हैं, जैसे जैसे टॉप के कॉलेज घट रहे हैं वैसे रैंकिंग भी इनकी बढ़ रही है, ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी कितना गया है कट ऑफ जनरल के लिए, 6453, ठीक है. और इस टाइप से इधर ये ओबीसी वगैरह का है, ये एससी एससी का है, एसटी का है, ब्लैंक है. इस हिसाब से आप अपने मॉप अप राउंड का अप्रोक्सीमेशन लगा के उसी स्टेट में मॉप अप में ट्राई करिए जहाँ पे आपको मिलने का चांस हो, या उसी कॉलेज को टारगेट करिए जहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है. एंड देन यू हैव गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, ठीक है, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस टाइप से ये पूरा डेटा आपके लिए बेनिफिट होगा. ओके, एंड देन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग 8688 57995, ठीक है, ये लास्ट है. अब आते हैं कि राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक कहाँ कहाँ तक गई है. व्हाट इज द क्लोजिंग रैंक फॉर राउंड 2 एमबीबीएस पीडीएस, ठीक है.
So closing rank of MCC second round allotment 2018, 15% all India quota, you are 10449, ठीक है, OBC के लिए 10410, SC के लिए 64642, ST के लिए 77792, BDS के लिए क्या है 17093, जनरल कैटेगरी के लिए OBC के लिए 15684 है, SC के लिए 79166 है एंड ST के लिए 99791 है, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है 85% कोटा, ये MBBS का है, ये BDS का है। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU वाराणसी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, BHU वाराणसी BDS, ये MBBS की है, ये BDS की है। STSC की रैंक थोड़ी बड़ी है लेकिन UR की रैंक तो आप देख रहे हैं बहुत कॉमन ही है, ठीक है। और आप यहाँ से AMU अलीगढ़ का देख सकते हैं, AMU MBBS एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए देखिए मैक्सिमम 14,000 तक गया है और इंटरनल के लिए देखिए 17 तक गया है, ठीक है। सेम है आप ESI मेडिकल कॉलेज का देख सकते हैं, ये ESI का थोड़ा काफ़ी हाई गया है, लाइक 137831 इस अबाउट 137,000 एंड 163 फॉर BDS। SCST का देखिए बहुत गया है, लाइक 7 लाख, वाओ। तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है ESI वालों को, ठीक है। तो अगर और कोई डाउट आपके पास आती है देन यू कैन कॉल और यू कैन मैसेज मी, श्योर यू विल गेट ऑल द बेनिफिट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। एंड सो कीप वॉचिंग, कीप enjoying, एंड लेट मी टेल वन थिंग, सॉरी आई forgot टू टेल वन थिंग, द थिंग विच आई want टू टेल दैट अगर आपको कोई कॉलेज, ठीक है, या किसी स्टेट का या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सीट मैट्रिक्स अगर देखना है तो आप यहां से MCC की वेबसाइट पे जाएंगे www.mcc.nic.in/ug-counseling/home/view-seat-matrix। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे आप डालेंगे काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा डीम्ड ESI दिल्ली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ या बनारस हिंदू स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया, कोई भी चीज़ आप यहाँ से डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ स्टेट नेम देना पड़ेगा जिस स्टेट के लिए आप चाहते हैं, फिर इंस्टीट्यूट नेम जिस कॉलेज के लिए, जैसे आप आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सपोज काउंसलिंग नेम ऑल इंडिया कोटा, इंस्टीट्यूट नेम स्टेट नेम आसाम, इंस्टीट्यूट नेम आसाम मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा सीट मैट्रिक्स। उसके बाद आप यहाँ पे HWXPG3 सो, ठीक है, अभी थोड़ा टेम्पोरी सर्वर प्रॉब्लम है लेकिन इसी तरीके से आपको जो भी सीट मैट्रिक्स चाहिए, राउंड टू के बाद क्या बचा है, कितना सीट है या स्टार्टिंग में क्या था, सारे डेटा यहाँ से पता चल जाएंगे। और आपको देखना कहाँ से, ये आपकी होम है UG काउंसलिंग की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू सीट मैट्रिक्स से और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देन यू विल गेट हियर एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेक ईजली, ओके। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप लविंग।